अमृतसर दे विच गैंगस्टर दा कतल कीता गया है। गैंगस्टर जरनैल दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। हमलावरां ने 20 राउंड तो वध फायरिंग कीती है। पूरे 15 सेकंड दे विच 20 राउंड गोलियां चलियां ने। चार नकाबपोश बदमाशां ने इस वारदात नूं अंजाम दिता गया। सीसीटीवी विच सारियां तस्वीरां कैद होईयां ने। जरनैल सिंह गोपी घनश्यामपुरिया गैंग दे नाल संबंधित सी, पिंड सठियाला दे विच उसका कतल कर दिता गया है। इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। चार नकाबपोश बदमाशां ने करीब 20 राउंड फायरिंग कीती है। करीब 15 सेकंड दे विच 20 राउंड तो वध गोलियां चलियां ने, जिस दीआं सीसीटीवी तस्वीरां भी सामने आईआं ने। अमृतसर दे विच गैंगस्टर जरनैल दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया है। पिंड सठियाला है अमृतसर दा जिथे इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। जरनैल सिंह जो गोपी घनश्यामपुरिया गैंग दे नाल संबंधित सी, चार नकाबपोशां ने गोलियां मार के उसका कतल कर दिता है। 20 राउंड तो वध फायरिंग की गई है। 15 सेकंड तक 20 राउंड तो वध गोलियां चलियां ने। सीसीटीवी तस्वीरां सामने आ चुकियां ने जो असीं स्क्रीन दे उत्ते दिखा रहे हैं। अमृतसर दे विच गैंगस्टर जरनैल का कतल किया गया है। चार लोग सी जो जिन्हां ने नकाब पाए हुए सी, साफ साफ नजर आ रहा है। चार लोग सी जिन्हां ने नकाब पाए हुए सी ते 15 सेकंड दे विच इन्हां ने 20 राउंड तो वध फायरिंग की है। तस्वीरां ने सीसीटीवी तस्वीरां जो सामने आ चुकियां ने जिन्हां ने गैंगस्टर जरनैल का कतल किया है। तस्वीरां ने जिस वेले जरनैल बाहर आंदा है ते नकाबपोश उस ते फायरिंग करन लगदे ने। 15 सेकंड दे विच 20 राउंड तो वध फायरिंग की है। जिवें ही जरनैल बाहर आंदा है तो फायरिंग शुरू कर दिंदे ने ते उत्थे ही जरनैल डिग जांदा है। फिर भी फायरिंग करनों नहीं हटदे। करीब 15 सेकंड दे विच 20 राउंड तो वध फायरिंग की जाती है ते उस तो बाद उत्थों फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरां ने अमृतसर के सठियाला पिंड दीआं जिथे इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। गैंगस्टर जरनैल जो गोपी घनश्यामपुरिया गैंग दे नाल संबंधित सी, उसका गोलियां मार के कतल किया गया है। जिवें ही वह बाहर आता है तो उसते फायरिंग शुरू कर दी जाती है। उत्थे ही वह डिग पैंदा है, लेकिन फिर भी यह फायरिंग करने नहीं हटते। दो लोग लगातार फायरिंग कर रहे हैं। दो लोग होर ने जो इन्होंने तस्वीरों के कैद हुए ने। चार नकाबपोशां दे वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। तस्वीरां ने अमृतसर दे पिंड सठियाला दीआं जिथे गैंगस्टर जरनैल दा गोलियां मार के कतल किया गया है। 20 राउंड तो वध गोलियां चलियां ने। सीसीटीवी तस्वीरां असीं स्क्रीन ते विखा रहे हां जिहड़ियां साफ पता लग रहा है कि किस तरीके दे नाल नकाबपोश इस वारदात नूं अंजाम दे रहे ने। गैंगस्टर जरनैल बाहर आंदा है तो उस वेले उस ते फायरिंग शुरू करदे ने। उह डिग पैंदा है, लेकिन फायरिंग करनों नहीं हटदे। तीन लोग नजर आ रहे ने, दो लोग इन्हां दे विचों लगातार फायरिंग करदे रहिंदे ने। गैंगस्टर जरनैल डिग पिया है, लेकिन लगातार उस ते फायरिंग कर रहे ने। एक होर शख्स पिछे फायरिंग करता नजर आ रहा है। चार लोग सी जिन्हां दे वल्लों इस वारदात नूं अंजाम दिता गया है। एक स्विफ्ट कार दे विच कुछ अणपछाते व्यक्तियों ने सठियाला दे विच जरनैल सिंह सन हरजीत सिंह नूं गोलियां मार दित्तियां ने। जो मौके ते पहुँच के जिहड़ी डेड बॉडी आ उहनूं उत्थे होस्पिटल जमा कराया गया ते असीं जिहड़ी उहनां दे बयानां ते जिहड़ी कार्रवाई कर रहे हां, जो भी कार्रवाई दे तहत तथ्य सामने आउणगे उस अनुसार बनदी कार्रवाई की जाएगी। इनवैसटीगेशन दो बंदे जख्मी होए ने। एक जरनैल सिंह की डैथ हुई है तो एक बंदा होर जख्मी होया जी, उहदे भी लगी है गोली। चार व्यक्ति आए ने जिन्होंने गोलियां मारियां ने। सानूं एक इनफॉर्मेशन मिली सी, एक स्विफ्ट कार दे विच कुछ अणपछाते व्यक्तियों ने सठियाला दे विच जरनैल सिंह सन हरजीत सिंह नूं गोलियां मार दित्तियां ने। जो मौके ते पहुँच के जिहड़ी डेड बॉडी आ उहनूं उत्थे होस्पिटल जमा कराया गया ते असीं जिहड़ी उहनां दे बयानां ते जिहड़ी कार्रवाई कर रहे हां, जो भी कार्रवाई दे तहत तथ्य सामने आउणगे उस अनुसार बनदी कार्रवाई की जाएगी। इनवैसटीगेशन दो बंदे जख्मी होए ने। एक जरनैल सिंह की डैथ हुई है तो एक बंदा होर जख्मी होया जी, उहदे भी लगी है गोली। चार व्यक्ति आए ने जिन्होंने गोलियां मारियां ने। ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ?
जी बिल्कुल, जिस तरीके भी गल की कि स्विफ्ट कार से यह पहुंची थी, क्योंकि पहली जी सीसीटीवी फुटेज थी, उस तो बाद यह सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ये लोग किसी बाइक से या कार से आए हैं। तो हूँ जो उत्थे डीएसपी ने इलाके के हरकृष्ण सिंह, तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि स्विफ्ट कार से आए थे, क्योंकि होर भी जी आस पास की सीसीटीवी फुटेज है वो कब्जे के ले गई है। तो इतने एक होर जानकारी मिली है कि एक राहगीर भी इस पूरे घटनाक्रम के जख्मी होया, जो कि उत्थों निकल रहा है, क्योंकि 20 तो 20 वध जिहड़ियां गोलियां ने वो चलाईया गई। तो उस वेले ये जिहड़ा जरनैल सिंह है उस इलाके दे विच जा रहा सी किसी काम पर, इसने अपनी जान बचाने के लिए उस दुकान के अंदर जाने की कोशिश की, पर इन्हां हमलावरां वल्लों दुकान के अंदर वर के भी जो है ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। सारा पूरा जिहड़ा घटनाक्रम है सीसीटीवी दे विच भी कैद होया। तो होर भी सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी आ खंगाली जा रही है, ताकि इन्हां दे नाल होर कि लोग सन, कुल इन्हां दी गिनती किन्नी सी, उस बारे पता लग सके। पर हुण तक 3 जिहड़े हमलावर ने वो इस सीसीटीवी फुटेज दे विच कैद होए ने, जबकि 4th बारे ये कहा जा रहा कि वह जिहड़ी कार का जिक्र किया जा रहा उस कार दे विच सवार सी, क्योंकि इन्हां वल्लों जिद्दां ही वारदात नूं अंजाम दिता जाना सी, तां उस तों बाद उस कार दे विच सवार होके ही इन्हां ने भज्जणा सी, और बिल्कुल उस तरीके दे नाल ही इन्हां वल्लों सारा कुछ किया गया। तो हुण उस कार दे नंबर की जांच की जा रही है, और वो कार कितों दी है, किस दे नाम से उसकी रजिस्ट्रेशन है, उस बारे हुण जांच हो रही है। तो कुल मिला के जेकर कहिए तो बड़ा अपने आप दे विच हैरान करने वाला यह मामला है कि दिन दिहाड़े एक शख्स नूं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि 30 साल इसकी उम्र है और 3-5 साल का उसका जो बेटा है। तो इस तरीके दे नाल एक नौजवान नूं जो है सरेआम गोलियां मार के जो है कतल कर दिता जाता, तो अपने आप दे विच सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। पर हुण हौली हौली जांच दे विच सारी चीज़ां स्पष्ट होणगियां कि आखिरकार वजह की रही है, कौन लोग ने, क्योंकि चेहरे उन्होंने अपने ढके हुए सी, क्योंकि अमूमन जो असं देखते हैं तो चेहरे ढक के जो कोई वारदात की जाती, तो ज़्यादातर मामलों के लुट की मंशा के नाल उस घटना अंजाम दिता जाता। पर इस मामले के कौन लोग सी कि जरनैल सिंह के जानकार सी या ये भी किसी गैंग के नाल जुड़े हुए हैं, तो सारिया चीज़ा हुण हौली हौली पुलिस की जांच स्पष्ट होणगियां। फिलहाल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे ने और उन्होंने वालों जांच जी शुरू कर दी गई है। राजीव, जरनैल को लेकर की कुछ जानकारी मिल रही है कि उसते कोई मामले दर्ज सी, किसी के नाल दुश्मनी सी, कोई धमकियां मिलदियां सी, कोई इसनूं लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखो हाले जो परिवार के नाल भी लगातार पुलिस की गलबात चल रही है, परिवार वालों जो बयान दिता जाएगा तो उस तो बाद चीज़ा स्पष्ट हो गई। पर जितों तक जरनैल सिंह का सवाल है तो 30 साल उसकी उम्र है, और कॉलेज के भी दसया जा रहा कि वह जी यूनियन से उसका प्रधान से, तो काफ़ी जड़िया सरगर्मियों के शामिल हों रहा। पर जिस तरीके भी जानकारी मिल रही है कि गोपी घनश्यामपुरी के नाल भी उसका कोई रिश्ता से या उसका जोड़ा ग्रुप है उसके नाल जुड़िया हुआ सी, तो यह चीज़ा हूँ इन्वेस्टिगेशन के पता लगनगिया कि आखिरकार कतल करन दी की वजह, कोई निजी रंजिश है, कोई परिवारिक कोई इस तरीके का विवाद सी, या ये किसी गैंगवार का हिस्सा, तो यह जांच के स्पष्ट होएगा। फिलहाल यही जो स्पष्ट होया कि 11:30 बजे के करीब अचानक जदों के जरनैल सिंह अपने पिंड दे विच ही मौजूद सी, और जिहड़ी दुकान दी सीसीटीवी फुटेज है उसके घर के बिल्कुल नेड़े आ, तो उत्थे उह जा रहा सी, पर जिद्दां ही फायरिंग उसके उत्ते की जाती है तो दुकान के अंदर जाके वह खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर इन्निया ज़्यादा गोलियां इन्हां वल्लों चलाईया गई कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। हुण पुलिस वल्लों जिहड़ी लाश है उसनों कब्जे दे विच लै लिया गया, परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, उस दुकानदार के बयान दर्ज किए गए हैं, ताकि कोई ना कोई क्लू जिहड़ा उन्हां लोकां बारे पता लग सके कि आखिरकार किहड़े पासों आए थे, किन्ने वजे तो इस इलाके दे विच घूम रहे थे, की पहलां रेकी की गई, तो सारिया चीज़ों से हुण पुलिस जिहड़ी आ उह जांच कर रही है और जांच तो बाद जी बिल्कुल ता जांच हो रही है, जांच तो बाद कई चीजा स्पष्ट होणगियां। तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं, 20 राउंड तो वध फायरिंग की गई है, जो तस्वीरां दे विच नजर आ रहा है 3 लोग फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। एक शख्स दसिया जा रहा है कि स्विफ्ट कार दे विच बैठा होया सी, उसे दे विच आए सी ते उसे दे विच फरार हुए ने, हुण उसकी भी जांच की जा रही है, उसके नंबर की जांच हो रही है, कौन ये लोग सी इसनों लैके जांच हो रही है, लाश नूं पुलिस ने जब्त कर लिया है, तो जांच चल रही है, परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। राजीव ये भी समझना चाहवांगे कि ये जिवें जिक्र हो रहा है, जिवें तुसीं भी दस रहे हो कि एक दुकान है पिंड दे विच ही जिथे जरनैल सिंह मौजूद सी या उत्थे गया सी, ए सीसीटीवी उस दुकान की है, इलाके दे विच कोई होर सीसीटीवी ने? जी बिल्कुल,
जिथे पूरा यह घटनाक्रम वापरदा जिथे ताबड़तोड़ गोलियां चलाईया जांदियां ने और सारे जिहड़े फायर ने इसे इलाके दे विच ही किते गए। पर इस तों इलावा पूरे इलाके की जिहड़ी सीसीटीवी फुटेज खंगालण दे दो मकसद ने, एक तो यह पता लगेगा कि ये लोग किहड़े पासों आए और किस थां ते इन्होंने अपनी गड्डी खड़ी की, उस तो बाद क्योंकि जिहड़ी जिस थां दी ये वीडियो ये काफ़ी अंदरला बाजार तो जेकर गल की जाए तो अंदरले पासे यह दुकान है क्योंकि इतने बहुत ज़्यादा आवाजाही भी नज़र नहीं आई, तुसी तस्वीर तो भी अंदाजा लगा सकते हो। तो हुण उस जिथों सटियाला पिंड नूं आउण वाले जिन्ने भी एंट्री पॉइंट ने या फिर एग्जिट पॉइंट ने तो उन्हां थावां ते जिहड़े कोई शोरूम है या दुकान है जिथे भी सीसीटीवी कैमरा आम तौर पर असीं पिंडां 'च देखदे हां कि जिहड़े बैंक दीआं ब्रांचां हुंदीआं ने उन्हां दे बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुंदे ने। तो हुण टीमां वख-वख बना के सारी जिहड़ी इलाके की जिनी भी सीसीटीवी फुटेज है उसनू कब्जे दे विच लिया जा रहा है और इन्हां दी जिहड़ी हलचल है उसके उत्ते हुण पुलिस दे वल्लों यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जिस तरीके दे नाल अज इन्हां वल्लों आके उत्ते इस कार्रवाई नूं अंजाम दिता गया तो बाकी दिनों की पिछले दिनों की भी फुटेज नूं कब्जे दे विच लिया जाएगा जिस तों यह पता लगेगा कि की ये लोग पहला भी उस इलाके दे विच आउंदे सी किन्ने दिनों तो इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश दे विच लगे सी जिस दे विच अज ये कामयाब हुए ने। तो बहुत सारे ऐसे एंगल होंदे ने जिस तरह पूरे जिहड़े मोबाइल टावर ने उन्हां दा डाटा भी पुलिस वल्लों कब्जे दे विच लिया जाएगा। तो टैक्निकल जिहड़ी जांच है वह भी हुण शुरू कर दिती गई है, वख-वख टीमां जिहड़ियां लाजमी तौर पर बनाई जाणगियां और उस तों बाद इन्वेस्टिगेशन तों बाद स्पष्ट होएगा कि ये कौन लोग ने कि जरनैल सिंह दे कोई जिसका मैं पहले जिक्र किया कि वह कॉलेज दिया जिहड़ियां गतिविधियां ने उस दे विच भी काफ़ी एक्टिव सी तां कि कोई पुरानी इस तरीके की कोई रंजिश तां नहीं जिस करके अज इस तरीके की जिहड़ी वारदात है उसनू ऐसे पहलू ने हुण जाण तों बाद सारिया चीज़ां स्पष्ट होण गियां कि आखिरकार कारण की सी, किहड़े लोग ने कि किसी ग्रुप के नाल जुड़े हुए ने और इस तरीके दे नाल दिन दिहाड़े ही जिहड़ी उन्हां वल्लों कतल की वारदात नूं अंजाम देण दा असल मकसद की सी। जी बिल्कुल कई चीज़ां साफ होणगियां जिवें पुलिस जांच करेगी परिवार के बयान की ने उस तों बाद कई चीज़ां स्पष्ट होणगियां, लेकिन ये तस्वीरां ने जो चिंता का विशा ने यह भी सवाल है कि की इन्हां दे वल्लों पहला रैकी की गई या ये उस वेले ही उत्थे पहुंचे सी, क्योंकि जिस तरीके दे नाल वारदात नूं अंजाम दिता गया है उस दे नाल बहुत सारे सवाल खड़े हुंदे ने। अमृतसर दे विच गैंगस्टर जरनैल दा कतल कीता गया है, गोलियां मार के कतल कर दिता गया है, जिस वेले इस दुकान दे विचों बाहर आया तां धड़ाधड़ उस ते गोलियां बरसा दित्तियां गईयां, 15 सैकंड दे विच 20 राउंड तों वध गोलियां जिहड़ियां ने उह वरसा दित्तियां गईयां ने जो तस्वीरां दे विच साफ नजर आ रहा है। स्विफ्ट कार दे विच बैठ के आए सी जिसकी हुण जांच चल रही है, उस स्विफ्ट कार के नंबर की भी जांच हो रही है। तो यह सीसीटीवी तस्वीर हुण तक सामने आई ने जिस दे विच तीन शूटर नजर आ रहे हैं जो गोलियां बरसा के चले जाते हैं। जिवें राजीव जानकारी दे रहे थे कि एक जिहड़ा शख्स एक जिहड़ा नकाबपोश शख्स वो कार दे विच बैठा होया सी, एक होर शख्स नूं गोली लगी है जो उत्थों गुजर रहा सी उसनू भी उसका भी इलाज करवाया जा रहा है। अमृतसर दे विच गैंगस्टर जरनैल ते 20 राउंड तो वध फायरिंग की गई है।